फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब बहुत खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं आप लोग को बहुत बड़ी अपडेट और बहुत ख़तरनाक किस्म की अपडेट बताने जा रहा हूँ, जिससे कि आप लोग के डॉक्टर सुनने के बाद आप लोग के रोंगटे खड़े हो गए। गुज़श्ता दिनों में आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। ChatGPT एक वेबसाइट ही कहें या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कह लें तो बेहतर है, वो लॉन्च की गई। इससे मैं हम लोग को एक बड़ी एक अपडेट बताने जा रहा हूँ, ये कि जो पता चल रहा है कि इससे ब्लॉगिंग करियर ख़त्म हो जाएगा और गूगल भी ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम इसी मौजू में इसी को नुक्ता इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बात को करेंगे और बहुत डिटेल में हम आपको सही बात बताएंगे, सारे डाउट क्लियर करेंगे। और अगर कोई आप लोगों के पास सवाल है इससे रिलेटेड कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या है कैसे है, तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन के बाद मैं आप लोग को प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि ये जो है ये किस तरह से इस्तेमाल की जाती है, क्या है और किस तरह से दिखती है। और यहाँ तक कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई है आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में आप अपने डाउट जो है आपको हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा व्हाट्सएप का भी है, तो आप लोग हमसे व्हाट्सएप में भी रब्ता कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, पूरी डिटेल्स होगी। उसके साथ साथ ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म आया है कि इससे जहाँ तक कि मेरा मानना है कि ब्लॉगिंग करियर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। ख़त्म तो नहीं होगा मगर काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। कैसे फ़र्क पड़ेगा, क्यों फ़र्क पड़ेगा, पहले हम इस नुक्ते पे बात करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग को पूरा शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं आप लोग को एक जो बेस्ट जो टिप्स हैं वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा, मैं आप लोग को बताऊँगा। और यहाँ तक कि मैं आप लोग को ये बताऊँगा कि किस तरह से हम लोग अगर मेरी कही बात पे अमल करते हैं तो हम लोग किस तरह से एक अपने ब्लॉगिंग करियर को बेहतर बना सकते हैं, और यहाँ तक कि किस तरह से हम लोग अपने ब्लॉग को बचा सकते हैं। तो हम सीधा साधा ये बात कर लेते हैं सबसे पहले कि ये ब्लॉगिंग करियर क्यों तबाह होंगे, क्यों इनकी इतनी अहमियत नहीं रहेगी। इसका सीधा साधा ये है ये एक ChatGPT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोई भी सवाल करेंगे उसका आंसर वो आपको दे देगा। मगर बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो कि वो आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। अब आपको अपना ब्लॉगिंग करियर अगर बचाना है तो आप लोग को वो सवाल को ज़्यादा फोकस करने हैं कि उनकी सर्चिंग अच्छी हो गूगल में, लोग उन्हें सर्च करते हैं। दूसरा कि ChatGPT में अगर वो नहीं देता तो इसके ज़रिए भी आपका ब्लॉग रैंक कर सकता है। और यहाँ तक कि एक नुक्ता यहाँ पे ये भी मैं आपको बताता जाऊँ कि ये हम लोग के लिए जो बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत आसान है, बिल्कुल फ्री है। तो जहाँ तक की बात है कि ये गूगल को ख़त्म कर देगा, मेरा मानना है नहीं। क्यों, कैसे, इस तरह गूगल क्या, आप कोई सा भी सर्च इंजन पकड़ लें, बिंग हो गया, याहू हो गया और गूगल हो गया, बहुत सारे सर्च इंजन हो गए। तो ये कि इनका ख़त्म होना आसान नहीं है, मुश्किल है, क्योंकि ये एक बड़े प्लेटफॉर्म है
और यहाँ तक कि अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि चैट जीटीपी क्या कहता है। तो प्रैक्टिकल करके बताते हैं, फिर उसके बाद हम आगे। फ्रेंड भी हम लोग आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन में, और अब ये हमने खोला हुआ है चैट जीपीटी। बहुत सिंपल है, हमारे पास इस तरह का इंटरफेस नज़र आ रहा है। अगर आप लोगों ने बोलना है तो मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे चैट सर्च करेंगे तो दूसरे नंबर पे ही आ रही है। इसका ये है ऑफिशियल URL openia.com, सही है। तो हम इसी को क्लिक करेंगे और ये चैट जीपीटी का ये सरफेस आपके सामने कुछ इस तरह से दिखता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये यहाँ लिखा है ट्राई चैट जीपीटी, इसे क्लिक करें। जब इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन और साइनअप का ऑप्शन देगा। मैंने यहाँ से लॉगिन किया हुआ है तो फिर उसके बाद मुझे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ से हम लोग अपना काम काज कर सकते हैं। तो हम इससे पूछते हैं, सबसे पहले लिखते हैं हेलो, क्या लिखा, कह रहे हेलो व्हाट कैन आई हेल्प यू टुडे। तो हम इससे पूछते हैं टेल मी अबाउट गूगल डेंजर जोन। हमने से ये सवाल कर लिया है, एंटर मारते हैं। ये कह रहा है कि मुझे तो सही पता नहीं ये डेंजर गूगल डेंजर जोन में है या नहीं। कुड यू प्रोवाइड मोर कॉन्टेक्ट, के आप और सवाल कर सकते हैं तो मैं आपको क्लियर कर। तो ये कह रहा है कि ये मुश्किल है कि आइंदा सालों में कंपनी का ख़त्म होना, अरे चांस क्या, ये जो इसका कहना है तो ये है कि चांस कम है गूगल के ख़त्म होने। मगर मैं आप लोगों को एक वो बताऊँ, गूगल वैसे ख़त्म नहीं होगा। क्यों यार, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम बेशक जो सर्चेस होती हैं वो कम हो जाती है। और ये पूछते हैं इन फ्यूचर वेबसाइट ये कह रहे कि देखिए आपके सामने देखें सारी इंफॉर्मेशन दे दी। अब मैं ऐसे कहता हूँ, बल्कि ये कह रहे कि मॉडर्न लाइफ है तो ये हर उससे अपडेट होती रहेंगी, इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे एक बात मैं बता दूँ कि ट्रैफिक में बहुत फर्क पड़ेगा। अब जो ट्रैफिक जो हम लोग को जो मिलता था मिलियंस में या लाखों, अब वो कम हो जाएगा। जो बेसिक चीजें होंगी तो लोग तो यहाँ चैट जीपीटी में आके सर्च कर लेंगे और वो जो इंफॉर्मेशन लेनी होगी वो ले लेंगे और फिर चले जाएंगे। और ये सारी चीजें हैं तो इसलिए बेहतर है। अभी मैं आपको रिसर्चिंग करके फिर मैं बता दूंगा कि आइंदा वक्त में कौन सी वेबसाइट्स बेस्ट हैं जो ब्लॉगिंग के हवाले से, मतलब कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कौन सी वेबसाइट आपके लिए बेस्ट है।
आप लोगों से यही बोलूंगा कि फिलहाल अभी बिल्कुल सही मायनों पे अभी बिल्कुल खत्म तो नहीं होगी, फिलहाल ये कि हाँ कमी पेशी जरूर होगी। जी गाइस, हमने अभी वीडियो में देखा कि किस तरह से ये होता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि अब हम इससे देखते हैं कि हम क्या क्या और अपना काम कर सकते हैं। ये हमारे कोडिंग में भी हेल्पफुल हो सकता है। कैसे, ये भी हम देखते हैं। ये भी आपको अगली वीडियो इसी पे ही बनाऊंगा कि हम लोग किस तरह से इस चैट GTP के जरिए अपने ब्लॉगिंग को कैसे रैंक कर सकते हैं। मैंने कसम से एक मैंने ऐसा वो निकाला है, एक ऐसी टेक्निक निकाली है। ये मेरी अपनी टेक्निक, अपनी जरे से है, ना कि किसी के बताई हुई। मैं बात आपको बताता हूँ, मैं खुद खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको प्रूफ के साथ ही दिखाऊंगा। वैसे वो टेक्निक अभी मैंने अप्लाई की है, मगर अभी मैंने वो जो पोस्ट है उस पोस्ट को मैंने अभी पब्लिश नहीं की है। अभी उस पोस्ट को पब्लिश करूंगा इंशाल्लाह, उसमें फिर अच्छा रिजल्ट देखने को। उस पे मैं काम कर रहा हूँ। फिर ये कि जैसी होगा तो मैं आप लोगों को चैनल पे है उसका रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो इसलिए हम लोग हमारे साथ जुड़े रहें, बर वक्त मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि किस तरह से हम अपनी पोस्ट को रैंक कर सकते हैं। और वो मैं जो कल वाली भी अगर मैं वो करूँगा तो मैं वो भी आपको दिखाऊँगा कि वो पोस्ट मेरी रैंक होती भी है कि नहीं होती। और बहुत बढ़िया, मैं जो टेक्निक्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसलिए आप लोग को मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेगा। और यहाँ तक कि ChatGPT बेशक ब्लॉगिंग को बहुत मुतासर करेगी। इसकी वजह यह है कि क्योंकि वो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो सब गाइड कर रहा है, सही है। और दूसरा, जो जिन्होंने क्या कहते हैं डेटा एंट्री और ये लेटर वगैरह बनाना हो, या फिर जो पावर पॉइंट की जो स्लाइडें होती हैं, जो 10,000, 20,000, 30,000, कुछ 50,000 तक भी जाते हैं या उससे भी ऊपर, तो ये एकदम फ्री हो गया। अब ये कि हर जिसे आता है इस पे काम, ये वो शख्स इस पे आराम से अपना काम कर सकेगा। फ्री में डेटा एंट्री भी बना सकता है, पावर पॉइंट की स्लाइडें भी आराम से ये क्रिएट करवा सकता है, और वेबसाइट भी डिज़ाइन करवा आई सकता होप आप है। लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अब आप लोग इजाज़त दीजिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान।